हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनू कसाना एंड दिस इज़ द चैप्टर व्हाई वी नीड पार्लियामेंट फ्रॉम द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास एट। लेट्स स्टार्ट। सिमिलरली इट हैज़ बीन मोर रिसेंटली सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर ऑफ सीट्स फॉर वुमन। और रिसेंटली ये भी सजेस्ट किया गया, ये भी सुझाया गया कि इसी तरह से औरतों के लिए, वुमन्स के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। इस इशू पर अभी भी डिबेट की जा रही है, इस पर अभी भी चर्चा की जा रही है। 60 years ago, 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमन। केवल 4% जो लेडीज के MPs थी, ओनली जो टोटल MPs थे उनमें केवल 4% लेडीज थी, वुमन थी। एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउ 11%, और ये भी आज केवल 11% से ज़्यादा है बस। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमन। और ये बहुत कम हिस्सा है जब आप ये देखते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, याद इसे भी शायद ज़्यादा। इट इज इशू ऑफ काइंड ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिसॉल्व्ड क्वेश्चन अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ। इट इज़ द इशू, यही इशू है, ये मामला है ऑफ दिस काइंड, इस तरह का, दैट फोर्स द कंट्री, जो देश को फोर्स करता है ना टू आस्क, पूछने के लिए, सर्टेन डिफिकल्ट, कुछ निश्चित परेशानियों को, डिफ़िकल्टीज़ को, एंड ऑफन अनसोल्व, और अभी भी मतलब बिना सुलझा अनसोल्व क्वेश्चंस पर्सनों को अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, गणतांत्रिक तंत्र, इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है पर्याप्त रूप से, क्या हम उसे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं दुनिया को। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन, ये तथ्य है कि हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आर वर्किंग टुवार्ड्स आंसर्स, और हम पर्सनों के उत्तरों पर काम कर रहे हैं, इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, यही ताकत है, यही ताकत है, एंड द फेथ, और आस्था है दैट पीपल इन इंडिया, कि भारत में लोग हैव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि वो एक गणतांत्रिक सरकार बनाते हैं, भारत में लोग गणतांत्रिक सरकार बनाते हैं। ओके, दस आवर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो टुडे वी विल कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक our national movement support the idea that all adults have a right to vote? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सभी वयस्कों को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए? हमारे जो नेशनल मूवमेंट हुए उनमें यह आइडिया क्यों लिया गया? तो सबसे पहले, अंडर कॉलोनियल रूल, जब अंग्रेज़ों का शासन था, the people have lived in fear of British government. तो लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर से, डर में रहना पड़ता था। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक, और वो बहुत सारे डिसीजन से एग्री नहीं होते थे जो वे लेते थे, यानी ब्रिटिश जो डिसीजंस लेते थे उन डिसीजन से वो बहुत कई डिसीजन से खुश नहीं होते थे, उनसे एग्री नहीं करते थे। चलिए जी, अब आती बात, बट दे फेस्ड ग्रेट डेंजर इफ़ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन, लेकिन उन्हें बहुत डर लगता था अगर वो उन डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते तो, मतलब अगर उन डिसीजंस पे वो उंगली उठाते तो उन्हें डर रहता था कहीं
जेल में न डाल दें या उससे भी बड़ी सजा ना दे दें। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड द सिचुएशन एंड नेशनलिस्ट्स बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन चला तो ये स्थिति बिल्कुल बदल गई और जो भी राष्ट्रवादी थे वो खुलकर क्रिटिसाइज करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके नियमों की, और मांगे रखने लगे, मेक डिमांड्स। दे डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स, उन्होंने कहा कि चुने हुए सदस्य होने चाहिए इन द लेजिस्लेटर, विधायिका में, विद ए राइट टू डिस्कस द बजट, जो बजट को डिस्कस कर सके, जो भी बजट होता है उसे डिस्कस किया जा सके, एंड आस्क क्वेश्चन, और प्रश्न पूछ सकें। दैट इज वाई नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, सो दैट द पीपल कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। इसीलिए जो नेशनल मूवमेंट था, नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, मतलब कि जो भी अडल्ट्स हैं उन सभी को मौका मिलना चाहिए वोट करने का, ताकि लोग भी हिस्सा ले सकें डिसीजन मेकिंग में और देश की भागीदारी में। ओके, देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर रिमेनिंग। रिमेनिंग सेकंड वन इज इन द 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलोंगसाइड रफली identify the constituencies in your state. What is the name of MP from your constituency? How many MPs does your state have? Why are certain constituencies colored green while other are colored blue? तो आप ब्लू कलर का और वाइट ग्रीन कलर का बाद में देखें, सबसे पहले ऊपर के क्वेश्चंस का आंसर सर्च करने की कोशिश करें। तो उसने पूछा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अलॉन्ग साइड दी गई हैं, है ना, तो आप अपने स्टेट की कॉन्स्टिटेंसीज को करने की कोशिश करें, आपको मैप मिल जाएगा यूपी वाला, आप यूपी वाले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिटेंसी, आप किस कॉन्स्टिटेंसी में हैं उसके हिसाब देखें। अगर आप बिनोर कॉन्स्टिटेंसी में हैं तो आपके एमपी का नाम है मलूक नागर। ओके, अगर आप बिनोर में हैं तो आपकी कॉन्स्टिटेंसी का जो एमपी है उसका नाम है मलूक नागर। ठीक है, बाकी आप अपनी कॉन्स्टिटेंसी का नाम मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कॉन्स्टिटेंसी का जो भी एमपी होगा बता दूंगा, अदरवाइज तो आपको पता होगा, है ना, तो आप लिख लीजिएगा। हाउ मैनी एमपीज डज योर स्टेट हैव, तो कितने एमपीज होते हैं हमारे स्टेट में, 80 एमपीज होते हैं, 80 एमपीज की हमारी लोकसभा है, सॉरी हमारे स्टेट में 80 लोकसभा सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं। ओके, बाकी की चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए, अब ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो कलर हैं अलग अलग, तो टोटल सीट हैं 543 और बाकी जो इस कलर की हैं वो जर्नल में हैं, जो ब्लू कलर की हैं वो एससी में हैं, और जो ग्रीन कलर की वो एसटी के लिए हैं, रिजर्व है, मतलब एसटी के लिए हैं। चलिए जी, अब आता है क्वेश्चन 3, ये भी आपको करने का है कि कैसे आप इसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव रीड इन चैप्टर 1 दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन द इंडिया हैज़ 3 टीयर्स, उसके 3 टीयर्स होते हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वहाँ 3 टीयर्स यूज़ करते हैं। चलिए आज आपको पहले कोड बता देते हैं। ठीक है, तो आपका कोड हो जाएगा TF, ओके, TF, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आगे, बस डेट, जैसे 25 जून, तो ओनली 25, ओके, TF आपकी डेट ऑफ बर्थ। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, तो वो बोल रहा है दिस इंक्लूड्स द पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स, फिल इन द फॉलोइंग टेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, आपको अपने एरिया से ये रिप्रेजेंटेटिव्स आपको फिल करने हैं, आपको अपना देख लेना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं,
विच पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज आर इन करंटली इन पावर। तो देखिए ये क्योंकि स्टेट और कंट्री लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ कि स्टेट में अगर यूपी की बात करें तो भी बीजेपी है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है। ओके, और करंटली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मुलुक नागर हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट में अगर मीरापुर की बात करें तो अवतार सिंह भड़ाना। विच पॉलिटिकल पार्टीज करंटली फॉर्म द अपोजिशन, अपोजिशन में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? तो सबसे पहले तो अपोजिशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ समाजवादी है, सॉरी बसपा, बीएसपी है, बीएसपी है, बीएसपी। ओके एंड नहीं, समाजवादी है, सॉरी एसपी है, एसपी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पार्टी अभी मतलब ओपोजिशन में नहीं है, क्योंकि किसी को इतना इतनी सीट्स नहीं मिली, 10% चाहिए होती हैं। व्हेन वर इलेक्शन लास्ट लास्ट हेल्ड, ये सब मैंने क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं पहले। व्हेन विल द नेक्स्ट क्वेश्चन बी हेल्ड, 5-5 साल उनमें ऐड कर देंगे और उसे लिख देंगे। हाउ मैनी वुमन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर फ्रॉम योर स्टेट, तो आप ये सारी चीज़ें आप सर्च कर लेंगे और एक बार मुझे भेज देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।